वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन. What are the advantages of using vegetative propagation as reproduction? Everybody will pay attention. एक बार रिवाइज करवाऊं. एक बार रिवीजन कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. फिजन मतलब डिविजन. देयर वर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन मतलब जिसमें दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है. मल्टीपल फिजन मतलब जिसमें मल्टीपल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है साइमल्टेनियसली. ठीक है, बाइनरी फिजन के दो एग्जाम्पल है अमीबा एंड लीशमेनिया. मल्टीपल फिजन का एक एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम. डू नॉट डिस्टर्ब माई क्लास एंड डू नॉट टॉक, सिट एनी वे यू लाइक. नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ. फ्रैगमेंट्स में ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करता है. उसका एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का स्पायरोगैरा. Spirogyra is one organism that divides itself into fragments and each new fragments grow into new individual. This is fragmentation. But this will occur only in simple multicellular organism. Complex multicellular organisms fragmentation par dependent nahi honge. Kyun? Kyunki hum jaise complex organisms we are not dependent on being cut up. अगर हम कट हो गए तो ही हम रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है. वी कैन नॉट कट आवरसेल्व्स एंड देन रिप्रोड्यूस. ठीक है, नेक्स्ट रीजनरेशन. रीजनरेशन के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी. रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन. व्हाई? बिकॉज द ऑर्गेनिज्म विल नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है, हम कोई भी एक प्लांट पार्ट का, कोई भी एक प्लांट पार्ट को एक्सटर्नल फोर्स से कट करते हैं जिसके वजह से वो प्लांट पार्ट ग्रो हो जाएगा इनटू न्यू इंडिविजुअल. क्लियर टिल हियर? यस और नो? मूविंग टू नेक्स्ट बडिंग. बडिंग इज डन इन हाइड्रा एंड यीस्ट. दोनों बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रा का मैंने बोला था ये फिगर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस पर ध्यान देंगे. ओके, तो बडिंग इन हाइड्रा में मैंने आप लोगों को बोला था दिस यूजुअली कम्स फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम. हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? देयर इज एन आउटग्रोथ. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? आउटग्रोथ होता है. कहाँ से? जहां पे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं बस वहीं से आउटग्रोथ ग्रो होगा. उसके बाद वो आउटग्रोथ किस में बड़ा हो जाएगा? बड में. और जब वो बड फुल्ली मैच्योर हो जाएगा इनटू एन हाइड्रा, इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ठीक है, समझ में आ गया सबको? कमिंग टू द फिफ्थ टाइप, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर रिप्रोडक्शन? दिस वॉज द क्वेश्चन. एवरीबडी विल पे अटेंशन. देर आर मेनी प्लांट in which parts like root, stem, leaves develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. Please mark, this is the first point. Mark the first point. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses or grapes for agricultural purposes. तो पहला advantage क्या है vegetative propagation का? That it is used in agricultural purposes में भी. specifically किस चीज में? layering और grafting में. इन दो चीजों में vegetative propagation use की जाती है. This is the first advantage of vegetative propagation. Second,
प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ये एग्जांपल मैंने कल भी दिया था। अगर मैं कोई प्लांट का पार्ट जैसे कि बनाना, उसका एक पार्ट कट करके सॉइल में सो करती हूँ और दूसरे पॉटेड प्लांट में मैं सीड्स डालती हूँ बनाना के, तो मैं ये देखूंगी दैट द प्लांट पार्ट विल ग्रो रैपिडली एज कम्पेयर टू द प्लांट सोन विद द सीड्स। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, कि उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी बेयर होते हैं अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज करते हैं। थर्ड, सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कुछ प्लांट पार्ट्स होते हैं जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते अब। कुछ प्लांट पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अब सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके चार एग्जाम्पल दिए, चारों एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन। सपोजिंगली ये चारों प्लांट पार्ट्स अब सीड बेयर नहीं कर सकते, तो क्या ये स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी? नहीं, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स यूजिंग दीज प्लांट पार्ट्स वी कैन रीसो देम एंड अगेन ग्रो देम इंटू प्लांट्स। समझ में आया? तो जिन कुछ प्लांट्स जिन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया या जो कैपेसिटी खत्म हो गई है उनकी रिप्रोडक्शन की, दे कैन बी ऑल्सो ग्रोन विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फोर्थ, अनादर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्टली जितने भी प्लांट्स हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं वो अपने प्लांट पेरेंट प्लांट जैसे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। जो प्लांट्स मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करूँगी वो पेरेंट प्लांट से जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, एग्जैक्ट नहीं रहेंगे। समझ में आया? क्लियर है सबको? तो चार एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या है? पहला, इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। सेकेंड, इट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। थर्ड, दे विल बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज ग्रोन विद द सीड्स। फोर्थ, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। दीज आर द फोर एडवांटेजेस। सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिपीटेडली इन बोर्ड्स, ठीक है। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे फॉर 4 मार्क्स। पॉइंट नंबर वन प्लीज मार्क कर लेंगे सब लोग। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। तो फोन यूज करोगे? डन। चारों पॉइंट्स मार्क कर लिए? आरव मार्क कर लिया तो हाँ तो बोलो। अर्नवी, गपशप करने आए हो? तो गपशप करने आए हो? रियली? चलो, everybody will pay attention. This comes for identification, figure 8.5. हो गया? तुम लोगों की लड़ाई कोल्ड वॉर खत्म हुई? अब ध्यान दो। फिगर 8.5 comes for identification. Center pointer specially pay attention. This will come in your periodics. The figure will be given and you need to identify. क्या रहेगा इसमें? पहले identification के लिए mark करो। उसके बाद ये कौन सी लीफ है? इट इज ब्रायोफिलम। इससे पहले भी तुमने 8th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा है, जो तुमको याद नहीं होगा अनडाउटेडली
ब्रायोफिलम के मार्जिन्स में बड्स ग्रो होते हैं. क्या ग्रो होते हैं? बड्स. कहाँ ग्रो होते हैं? मार्जिन. ब्रायोफिलम लीफ के मार्जिन्स में बड ग्रो होते हैं. जैसे ही ये बड्स ग्रो होते हैं, फुल्ली मैच्योर होते हैं, दे विल डिटैच एंड फॉल इनटू द सॉइल एंड ईच बड विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. दिस इज हाउ ब्रायोफिलम प्लांट्स विल रिप्रोड्यूस. अगेन उनके मार्जिन में बड्स ग्रो होंगे. जैसे ही बड्स बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, दे विल फॉल इनटू द सॉइल एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. ईच बड विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. प्लीज मार्क. सिमिलर बड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. ठीक है, सिंपल. आगे स्पोर फॉर्मेशन, ये बहुत बार पीरियोडिक्स में पूछा जाता है. एंड प्रिलियम्स. स्पोर फॉर्मेशन फिगर 8.6 कम्स फॉर ड्राइंग एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी सिंपल, इजी टू स्कोर. नहीं, ओनली आइडेंटिफिकेशन. स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस कैन कम फॉर बोथ आइडेंटिफिकेशन और ड्रॉइंग एज अ डायग्राम, स्पेशली इन योर पीरियोडिक्स और प्रिलियम्स. नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? इवन इन मेनी सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तुम दोनों को बात करनी है तो प्लीज चले जाओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, इशारे भी मत करो. Even in simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. Underline, the thread-like structures that develop on the bread in activity 8.2 above are the hyphae of the bread mold, rhizopus. So everybody, you all are aware of fungus, I hope. अगर ब्रेड को मैं ह्यूमिडिटी में रख देती हूँ, मॉइस्ट कंडीशन में रख देती हूँ, तो बहुत इजीली उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है. एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफे एंड इट इज बिकॉज ऑफ अ फंगाई नेम्ड राइजोपस. प्लीज मार्क. आगे, दे आर नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ऑन द अदर हैंड, underline, the tiny blob on the stick structures are involved in reproduction. मतलब ये long thread-like structure जिसको हम hyphae बोलते हैं, ये hyphae is not the reproductive part. The tiny blob-like structures on top of the hyphae, that is sporangia. They are the reproductive part of rhizopus. समझ में आया? Bob like structures are involved in reproduction. The blobs are sporangia which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizopus individuals. Please mark, the last line is very important. The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. Do questions hai wahan par, do questions likho. समझाने क्यों अभी तक मैं समझाया नहीं है मैंने. एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन. उसका बी पार्ट लिखो, हाउ आर स्पोर्स प्रोटेक्टेड. What is spore formation? How are spores protected? अब दोनों का आंसर अलग अलग है. सब लोग पहले ध्यान देंगे. What is spore formation? Till here is your answer. Rhizopus individual starting from the thread-like structure. पहले आंसर मार्क कर लो, वरना तुम लोग ध्यान ही नहीं दोगे. ये A है जो अभी मार्क किया. ठीक है, A आंसर मार्क कर लिया और बी आंसर मार्क करो. द स्पोर्स आर कवर्ड से लेके कैन बिगिन टू ग्रो. टिल हियर इज योर बी आंसर. ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही राइजोपस बैक्टीरिया को मॉइस्ट कंडीशन मिलता है,
they will first grow their hyphae, that is thread-like structure, but वो reproduce नहीं करते. उनके ऊपर जो blob-like structure है, जो आप लोग देख रहे हो, this is sporangia. This sporangia is the reproductive part of rhizopus fungi. ठीक है? अब ये sporangia के अंदर, it is a thick covering. ये स्पोरांजिया के अंदर क्या रहते हैं, स्पोर्स, दैट आर सेल्स. जैसे ही वो ब्लॉब बर्स्ट होता है, उसमें से स्पोर्स निकलते हैं. ईच स्पोर विल ग्रो इनटू ईच न्यू इंडिविजुअल. समझ में आया? तो स्पोर्स कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, हाउ आर द स्पोर्स प्रोटेक्टेड? दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द थिक वॉल स्पोरांजिया. दे विल नॉट बर्स्ट ओपन अंटिल दे गेट अ मॉइस्ट कंडीशन. जब उन्हें मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी तभी स्पोरांजिया बर्स्ट आउट हो गए एंड द स्पोर्स विल कम इन कॉन्टैक्ट टू द मॉइस्ट कंडीशन एंड ईच स्पोर विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, दैट इज राइजोपस फंगाई. क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. जो हाइफे है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट विल क्रिएट अ बॉब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरांजिया. वो स्पोरांजिया के अंदर क्या रहते हैं, स्पोर्स. जैसे ही ये राइजोपस बैक्टीरिया को मॉइस्ट कंडीशन मिलेगा, वो अपने स्पोरांजिया को बर्स्ट ओपन करेंगे. जैसे ही वो ओपन होगा, उसके अंदर से स्पोर्स निकलेंगे एंड द स्पोर, ईच स्पोर विल कन्वर्ट इनटू न्यू इंडिविजुअल राइजोपस फंगाई. ठीक है, क्लियर है? इट इज फंगाई, इट इज फंगाई. मॉइस्ट कंडीशन में ही स्प्रेड हो जाते हैं. हाँ, यस. ठीक है, क्लियर है सबको अच्छे से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी डाउट्स? सो वी हैव कंप्लीटेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज देयर एनी डाउट अंटिल हियर? इट इज अ फंगाई. इतना समझ में आया? हाँ, ये टिश्यू कल्चर कट है, इसे कट कर दो. आपके मैम रीड करवाएंगे तो कर लेना एक बार, बट आता कभी भी नहीं है. बोर्ड्स के हिसाब से ये कट पोर्शन है. ठीक है, टिश्यू कल्चर, द येलो बॉक्स. स्टार्टिंग विथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एक बार ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली. कोई नहीं बोल रहा है ये वर्ड. ये कीवर्ड नहीं लिखोगे तो गलत होगा, कल भी समझाया था. नेक्स्ट, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? इट कैन मल्टीप्लाई रैपिडली. देयर कैन बी मल्टीपल राइज, यस, देयर कैन बी मल्टीपल इंडिविजुअल्स. कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? Because regeneration is not same as reproduction, as normally the organism will not depend on being cut up to be able to reproduce. ये हमने mark कर लिया है. आगे अपन ने mark किया है. Because the organism will not depend on being cut up to be able to reproduce. Why is vegetative propagation practiced? ये हमने कर लिए चारों points. Why is DNA copying an essential part of process of reproduction? Transfer of characteristics, sustenance of species. दो points है. Transfer of characteristics and sustenance. एक ही बात है. Sustenance of species. TANE. हाँ, आए तो आते ही नहीं है. सस्टेन नहीं, सस्टेनेंस. चलो, इतना लेट कैसे ज्वाइन करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता. अपने अपने टाइम पे क्यों आते हो? हाँ, चलो लेट स्टार्ट. यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. वाई सेक्शुअल मोड? ओके, स्टार्टिंग विथ सेक्शुअल. अब मेरी एक कंडीशन है, अगर कोई भी हंसा
तो वो सीधा घर जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इट इज वेरी नेचुरल. इफ यू इफ आई सी मल्टीपल फेसेस स्माइलिंग आई विल स्माइल. इसमें हंसने वाली क्या बात है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, एवरीबॉडी डज इट. बस चलो, तुम्हारी टीचर ने तो फटफट फटफट खत्म कर दिया ना, पढ़ाए नहीं ना, तो अब पढ़ लो. मैंने भावना एक्स को भी यही बोला था, मैंने भावनाइट्स को भी यही बोला था कि बाद में डॉक्टर से पूछना पड़े, इससे अच्छा मुझसे पढ़ लो, ठीक है. ओके एवरीबॉडी पे अटेंशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रेजेंस ऑफ टू पेरेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विथ, ये पेज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, देयर इज नथिंग. कम डायरेक्टली टू द नेक्स्ट पेज, द पेज इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी सेटल डाउन अर्नव फास्ट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हम सब ने पढ़ा है कि क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स, दैट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम. हमने पढ़ा है कि जब भी ऑफस्प्रिंग, जब भी ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है तो उसमें दो चीजें ट्रांसफर होती है, एक तो डीएनए और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. अगर डीएनए कॉपी हो रहा है, मतलब मदर से भी डीएनए कॉपी होगा और फादर से भी डीएनए कॉपी होगा. क्रोमोसोम्स भी मदर से भी कॉपी होगे, फादर से भी कॉपी होगे. सो दैट मींस हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से एक पेयर रहता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इन बोथ मदर एंड फादर. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, शट अप. जिसमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. नाउ वी नो व्हाट इज दिस सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वेदर इट विल बी अ गर्ल, वेदर इट विल बी अ बॉय. वी नो दैट द फीमेल्स हैव सेम पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड एक्स. मेल्स हैव मिसमैच्ड पेयर, दैट इज एक्स एंड वाई. If it is X and X that is crossing together, a girl will be born. And if an X pair, X chromosome is crossed with an Y chromosome, it a boy will be born. ठीक है, इतना सबको clear है. अब supposingly 20, सब लोग ध्यान देंगे. Supposingly Y और Y हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि male में ही सिर्फ Y होता है, female में Y होता ही नहीं है. So now everybody pay attention. We know that the DNA is copied in order to form the offspring. ठीक है, अब मदर से भी DNA कॉपी हो रहा है, फादर से भी DNA कॉपी हो रहा है, तो इसका मतलब है offspring के अंदर कितने DNA हो गए? तो क्या हम सब के अंदर दो DNA है? How many of you are saying yes? One. How many of you are saying no? इसका मतलब सुनो, मदर से भी डीएनए कॉपी हो रहा है, फादर से भी डीएनए कॉपी हो रहा है, इसका मतलब ऑफस्प्रिंग में कितने डीएनए है? दो डीएनए, बराबर. हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अग्री विथ मी? यू डू नॉट अग्री, व्हाई? यू डोंट नो द रीजन. ओके सी देयर आई, ये मैंने सुन लो,
मैंने आंसर 8, 16 बहुत सुने, इतने डीएनए होते हैं, ठीक है, 8 डीएनए होते हैं, 16 डीएनए होते हैं, क्योंकि हमारे पहले जनरेशन थी, उनका भी तो डीएनए हमारे अंदर आया होगा ना, तो 8 भी हो सकते हैं 16 भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे में 24 भी होंगे, ठीक है। मैंने ये आंसर भी सुना है, बट दिस इज ऑल वेग, लेम, नॉनसेंस, इरेशनल, बिकॉज द ऑफस्प्रिंग विल नॉट एग्जिस्ट, देयर इज ओनली 1 डीएनए इन ईच इंडिविजुअल। व्हाई? बिकॉज वाइल द डीएनए कॉपिंग इज डन, हर चीज मस्ती नहीं होती है, प्लीज सुनो, वाइल द डीएनए कॉपिंग इज बीइंग डन, ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड, दैट मीन्स हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम द मदर, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम द फादर, रिजल्टिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओनली 1 डीएनए इन द ऑफस्प्रिंग। समझ में आया? जो वेरिएशन क्रिएट हो गए, तो कितना अमाउंट ऑफ डीएनए कॉपी हो रहा है? ओनली हाफ द अमाउंट। अब ये क्यों होता है, जरूरी क्यों है? अगर 2 या 4 या 6 या 8 डीएनए रहे तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान जिंदा भी रहे, ठीक है, दैट इज इरेशनल, दैट कैन नेवर हैपन। नॉट इवन 1.5 डीएनए इज देयर इन एनी बॉडी, देयर इज ओनली 1 डीएनए, क्योंकि सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ डीएनए फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर इज कॉपीड, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट इज ओनली बीइंग कॉपीड इनटू द ऑफस्प्रिंग, एंड देयरफॉर देयर इज ओनली 1 डीएनए। नाउ सिमिलरली सेम हैपेंस विद द क्रोमोसोम्स, व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ मदर से 23 क्रोमोसोम्स कॉपी होंगे, 23 पेयर नहीं बोला मैंने, 23 क्रोमोसोम्स कॉपी होंगे मदर से, और फादर से भी 23 क्रोमोसोम्स कॉपी होंगे, रिजल्टिंग इनटू 46 क्रोमोसोम, दैट मींस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑफस्प्रिंग, रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोथ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया? गलती से भी ऐसा नहीं होता है कि क्रोमोसोम ज्यादा कॉपी हो गया हो, क्योंकि देन इट लीड्स टू डिसेबिलिटी इन द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड cannot come into the existence, वो रह ही नहीं सकता। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इस सब चीज़ में कुछ भी मिस्टेक हो। हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, एंड हाफ द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर टेकन फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, एंड देयर फोर यू ऑल आर मिक्सचर्स ऑफ योर पेरेंट्स। समझ में आया? क्लियर है? प्लीज मार्क द क्वेश्चन। If each new generation is to be the combination of the DNA copies from 2 pre-existing individuals, stop talking, then each new generation will end up having twice the amount of DNA than the previous generation had. Iske saamne likh do, explain. If each new generation से लेके प्रीवियस जनरेशन हार्ड, द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। Thus, when the germ cell from 2 individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of number of chromosomes and the DNA content in the new generation. Very, very important answer for 2 marks. Yahi hai jo maine abhi samjhaya. Only half the amount of DNA and half the number of chromosome is copied from the पेरेंट जनरेशन, ठीक है, देयरफॉर देयर इज री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। क्लियर टिल हियर एवरीबॉडी? मूविंग अहेड, इफ द जायगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, देन इट हैज टू हैव सफिशियंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। इन अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट द 2 जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और मे इवन बी सिमिलर। क्या बोला है? अगर सिंपल बॉडी डिजाइन है, अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है बट उसका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है, तो हो सकता है कि मेल गमेट
और फीमेल गमेट एक दूसरे से बहुत सिमिलर है दिखने में. देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग विल बी सिमिलर टू द पेरेंट जनरेशन. बट हम क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिए मेल गमेट अलग होता है और फीमेल गमेट अलग होता है. वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर, दैट इज एग. वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवम और द एग, दैट इज इन फीमेल. वाइल द अदर वन इज लाइकली टू बी मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवेबल, दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव, सॉरी मेल गमेट. An ovum is the female gamete. So the egg stores the food and the sperm is motile. It can move from one place to another. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete, that is sperm, and the germ cell containing the stored food is called the female gamete, known as ovum or egg. Aage, sexual reproduction in flowering plants. इतना समझ में आ गया सबको. द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. प्लीज लिख लो वहां पर, एंजियोस्पर्म रेफर्स टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, आर लोकेटेड इन द फ्लावर. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. प्लीज मार्क, ये आता है वन मार्क के लिए. Very, very, very important. Very simple and very important. Sepals, petals, stamen and pistil. ये चार क्या है फ्लावर के पार्ट्स? कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल. अब इसमें से मेल कौन सा है जिसमें एम ई एन है? दैट इज मेन, स्टेमेन. दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज हाउ आई रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर एज वेल. Stamen is the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Sepal kya hota hai? Ye green wala part. Aur petals aap sabko pata hai. Stamen and pistil are the reproductive parts of the flower which contain the germ cells. What purpose could the petals and sepals serve? Aage diya hua hai. The flower may be unisexual or bisexual. This is very clear, I hope, to everybody. Unisexual has only one parent, either female reproductive part or the male reproductive part. Bisexual, bi matlab two, to dono rahenge usme, male or female. Theek hai? Dono ke examples learn karne hai, jo textbook mein diya hai, exactly wahi, bahut important hai. Unisexual flowers ke example kya hai? Papaya and watermelon. When it contains either stamen or pistil. Or bisexual, that is hibiscus and mustard. Please learn the same examples, very important. This is usually asked in boards. Unisexual ke kya examples hai? Papaya and watermelon. Bisexual ka hibiscus and mustard. When it contains both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. ठीक है? Pistil is present in the center of a flower and is the female reproductive part. Pistil के तीन parts होते हैं, please यहाँ पर लिख लो. Pistil has three parts: stigma, style. And ovary. नहीं, ये ड्रॉ करने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. It is made up of three parts. क्या हुआ? नहीं हुआ क्या? तुम क्या लिख रहे हो? मैं पूरी पीडीएफ भेज दूंगी ना अभी, पूरे बुक की. अच्छा,
इट हैज थ्री पार्ट्स. द स्वोलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी. एवरीबडी विल पे अटेंशन. दिस डायग्राम 8.8 इट कम्स फॉर ड्रॉइंग एज अ डायग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टामक करो, ये आता है ड्रॉ करने के लिए. पिछले पेज पर जो फ्लावर है वो नहीं आएगा, बट ये आएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स. सो द स्वोलन बॉटम पार्ट, ये दिख रहा है स्वोलन बॉटम पार्ट. दिस इज योर ओवरी. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑरेंज वाला, दिस इज स्टाइल. एंड द टॉप मोस्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन्स स्टिक होते हैं. दैट इज स्टिग्मा. द ट्यूब, ऑरेंज ट्यूब, पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब नहीं है. पोलन ट्यूब इज स्टाइल. द स्वोलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी. Middle elongated part is the style and the terminal part which may be sticky is stigma. Chalo. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell that is also known as ovum. The male germ cell produced by the pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells or fertilization gives us the zygote, which is capable of growing into new plant. अब सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, जो male reproductive part होता है. Now we are talking about unisexual flowers, ठीक है? जो male reproductive part होता है वो obviously दूसरे में होगा, और एक flower है जिसमें female reproductive part है. ये दोनों क्या है? Unisexual. Now when they are reproducing, the male gamete, that is the pollen grains, will fly to the female reproductive part. And how will they fly? They don't have wings, air, water or animals or even us. हम लोग क्या करते हैं? Pollen grains किसी भी तरीके से पास ऑन करते हैं फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड व्हाई विल दे ओनली स्टिक टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? बिकॉज इट हैज स्टिग्मा. वो स्टिकी होता है तो वो पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेता है. जैसे स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, द ट्यूब इज फॉर्म. दैट ट्यूब इज स्टाइल. वो ट्यूब फॉर्म होती है, उसके थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रेवल करते हैं एंड दे एंटर इन टू द ओवरी, जहां पर क्या है? ओवम, दैट इज एग. व्हेन पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द ओवम, दैट इज एग, अ जायगोट इज फॉर्म. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, सुन लिया, फर्टिलाइजेशन. अब जायगोट क्या होता है? वन सिंगल सेल जो तब बनता है जब फ्यूज होता है मेल फीमेल गैमेट. ठीक है, वन सिंगल सेल. इट जायगोट इज व्हाट? अ सिंगल सेल दैट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन का कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है, प्लीज ये लिख लो. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट व्हिच रिजल्ट्स इन जायगोट फॉर्मेशन, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. पेन दू, बोलो ना, मुझे पता चलेगा. नहीं, पॉलिनेशन इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. नहीं, फर्टिलाइजेशन में ओनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट. क्या हुआ? वंशदीप तुम चुप हो जाओ, मेरे को तो पूरा डाउट तुम पर है. तुम लोगों को मास्क पहनकर बुलाऊंगी मैं. आज नहीं लगता बीवीएम वाले शांत है फिर भी.
वो तो देख ही नहीं रहा था, वो तो सबसे शांत बैठा था, वो हंसा भी नहीं। हो गया उसका। तुम लोग सच में मास्क पहनकर आना जिसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है ना? इतने जोर से थोड़ी हंसोगे, क्या आवाज आएगी? चलो नहीं 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 प्लीज मुझे माफ करो, नहीं समझेगा मार्क्स नहीं आएंगे। चलो चलो, अब हमने पढ़ा व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अरब What is fertilization? The fusion of male and female gamete is fertilization to form zygote. Now pollination is different. अरे कौन बोल रहा है? Now pollination is different from fertilization. Pollination is only transfer of pollen grain from the male reproductive part to the female reproductive part. अब उसके भी दो तरीके हैं. One is self pollination. The other is cross pollination. अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है तो विद इन द इसमें हंसने वाली क्या बात है? अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है तो उसमें चुप हो जाओ तुम, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होगा? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही पोलन ग्रेन विल गेट ट्रांसफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन तब होता है जब फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है। नाउ सिंस दे आर यूनिसेक्सुअल, दे हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे नीड टू क्रॉस पॉलिनेट विथ तुम लोग फ्लावर में इतना हंस रहे हो तो तुम लोग क्या करोगे? मैम यस, आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं हो रहा ना? आज आज नहीं हो पाएगा। अच्छा मैं क्या है? जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है सो इट विल हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट, देयरफॉर the pollen grain will the pollen grain of the flower will get transferred to the other flower and therefore it is known as cross pollination only when the flower is unisexual. समझ में आ गया? Bisexual होगा तो self pollination, unisexual होगा तो cross pollination. क्यों? अब ये cross pollination किसमें होता है? Only of the same kind, jasmine with the jasmine, rose with the rose, sunflower with the sunflower, of the same kind लिखना जरूरी है, ठीक है? यहाँ पर डेफिनेशंस मार्क कर लो। इफ दिस के जगह द कर दो। द ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ द सेम काइंड, प्लीज वहां पर लिखो ऑफ द सेम काइंड, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट काइंड नहीं हो सकता ना? दैट इज नॉट पॉलिनेशन, दैट विल नॉट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, उसमें अलग स्पीशीज होगी। नहीं, हाँ हाँ, ऑफ द सेम काइंड वो सेम ही है। Define self-pollination and cross-pollination.
सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. हाउ मेनी ऑफ यू कैन नॉट कम टुमारो? मॉर्निंग में रखूंगी. मॉर्निंग 11. क्या है कल? ठीक है, मार्किंग्स कर ली. चलो आगे. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water, animals. After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. Please yahan par likh lo. Zygote, yes. Zygote will convert into an embryo. The embryo in the plant, jisme ovary will convert into fruit and the ovule will convert into seeds. Ye hamesha hamesha poochte hai. Ovary will convert into fruit, ovule will convert into seeds. कन्वर्ट हो जाता है वो. केशव, वो सिर्फ इंस्टिगेट कर रहे हैं, तुम रिप्लाई मत करो. अच्छा चौधरा ने यार ये बना लिया सबने फ्लो चार्ट. चलो आगे जल्दी. अर्नफ चुप होकर लिखोगे ना तो दिमाग में भी कुछ जाएगा. आगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट अंडरलाइन एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. Meanwhile, the petals, sepals, stamen, style and stigma will shrivel and fall off. Jo kaam ke nahi hai, wo sab shrivel hoke fall off ho jayenge. Last three lines. The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. Define germination. Tumhara center point ka favorite question. Define germination. It comes for 1 mark. What is germination? The seed contains the future plant that is known as embryo, which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. Please mark this. Ab yahan par dekho cotyledon. ये तुम लोगों को 7th standard में भी था. कॉटिलेडॉन दो होते हैं. दे कंटेन फूड ऑफ द प्लांट. प्यूम्यूल इज द फ्यूचर शूट. शूट मतलब सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, दैट इज स्टेम एंड लीव्स. एंड रेडिकल इज द फ्यूचर रूट. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. So cotyledons contain stored food and pumule is the future shoot and radical is the future root. This comes for drawing. Please mark. This is germination. मुझे बता दो कि कल कौन सच में नहीं आ सकता है. Timing will be 11 or 11:30. 11. कितने लोग नहीं आएंगे? आई विल नॉट रिपीट बिकॉज. ठीक है, मंडे. मंडे को छुट्टी है ना.
आई विल टेक इन द मॉर्निंग ओनली.